कर्नाटक के मंच पर राजनीति के नाटक का चैप्टर अभी बाकी है। ये तय है कि राज्यपाल के नियुक्ति के बाद एक और एपिसोड शुरू होगा और उसमें सबसे बड़ा रोल कांग्रेस प्ले करेगी। बीजेपी के येदुरप्पा राज्यपाल से मिल चुके हैं, सरकार बनाने का दावा कर चुके हैं और उन्होंने कहा है कि वो कल शपथ लेना चाहते हैं। राजनीति के जानकार मानते हैं कि गवर्नर वजूभाई वाला उन्हें ही पहला मौका देंगे। बीजेपी के इस रास्ते को कांग्रेस और जेडीएस ने ज्यादा आसान बना दिया। जेडीएस विधायक दल की बैठक में आज दो विधायक नहीं आए, कांग्रेस विधायक दल की बैठक में तीन एमएलए नहीं पहुंचे और इन बातों ने बीजेपी के हौसलों को और बुलंद कर दिया है। कांग्रेस के लिए आज का दिन कल से बुरा था। कल उसने अंतरात्मा की आवाज पर सरकार बनाने की कोशिश की तो आज उसे राज्यपाल के विवेक पर ही भरोसा नहीं रहा। जेडीएस ने साथ दे दिया तो अपने विधायकों ने ही ठग लिया। विधायक दल की बैठक सुबह 8 बजे बुलाई गई लेकिन वक्त पर सारे विधायक पहुंच ही नहीं पाए। दोपहर बाद तक विधायक चिट्ठी पर साइन ही करते रहे लेकिन वो पूरा नहीं हो सका। खबर ये भी आई है कि बेंगलुरु के एक रिजॉर्ट में 100 कमरे बुक कर दिए गए ताकि विधायकों को वहां छिपा कर रखा जा सके। कांग्रेस पूरे दिन इसी जुगाड़ में लगी रही और बीजेपी ने राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। कर्नाटक चुनाव में सबसे कम नंबर लाकर भी नंबर 1 बनी रही जेडीएस, लेकिन अब लग रहा है कि वो गेम से बाहर हो गई है। देवेगौड़ा के बेटे एचडी कुमार स्वामी को पार्टी ने विधायक दल का नेता तो चुना है, लेकिन सीएम बनने के लिए उनके अरमान में बीच में बीजेपी आ गई। चोट खाए कुमार स्वामी ने एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आरोप लगाया कि उनके विधायकों को बीजेपी 100 करोड़ और मंत्री पद का ऑफर दे रही है। वो इतने आहत दिखे कि कर्नाटक की जनता को ही कोस बैठे। कहा लोगों की गलती से बीजेपी बड़ी पार्टी बन गई है। कल कांग्रेस से गठबंधन किया था, आज खुद को सत्ता की दौड़ से बाहर रहने वाला नेता बता दिया। जब कांग्रेस पर मुसीबत आती है तब वो सुप्रीम कोर्ट की ओर जाती है। ये कहावत नहीं है, कांग्रेस के लिए हकीकत साबित हो रहा है। कर्नाटक में विधायक दल का नेता भी ना चुन पाने वाली कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। अगर कर्नाटक के गवर्नर बीजेपी को सरकार बनाने के लिए बुलाते हैं तो कांग्रेस कोर्ट जा सकती है। ऐसी भी खबरें आ रही कि वो गवर्नर और राष्ट्रपति के सामने विधायकों की परेड भी करा सकती है। हालांकि कांग्रेस जेडीएस गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के जो चेहरा है कुमारस्वामी ने ऐसी संभावना से इनकार किया। कुमारस्वामी ने कहा कि अगर बीजेपी को राज्यपाल की तरफ से मौका दिया जाता है तो हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। काशी को क्योटो बनाने का सपना घायली नहीं लहू लुहान हो गया है। कल जो फ्लाईओवर गिरा था उसमें अब तक 15 लोगों की जान जा चुकी है। 13 शव घर वालों को सौंपे जा चुके हैं, 2 शव एनडीआरएफ के जवानों के। इस कत्लेआम के लिए प्रोजेक्ट से जुड़े 4 लोग सस्पेंड कर दिए गए। यूपी सेतु निगम के कुछ अधिकारियों पर गैर इरादतन हत्या का केस भी दर्ज कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि जिन 15 लोगों को इतने दर्दनाक तरीके से दुनिया से विदा कर दिया गया, क्या उनके लिए ये कदम काफी है? फ्लाईओवर मार्च 2018 तक बन जाना था लेकिन शायद कुछ लोग इस हादसे का इंतजार कर रहे हैं। कहते हैं काशी में अगर मृत्यु हो तो मोक्ष मिल जाता है, लेकिन जो शरीर दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं उनका परिवार किस पीड़ा से गुजरता है इसका अंदाजा वाकई वाराणसी में जान गंवा चुके लोगों के रिश्तेदारों को देखकर लगता है। वैभव कोटा जा रहे थे इंजीनियरिंग की कोचिंग के लिए, माता पिता स्टेशन छोड़ने जा रहे थे, अचानक यह हादसा हो गया। वैभव और पिता की जान चली गई। एग्जाम में अव्वल रहा वैभव, जिंदगी की परीक्षा में फेल हो गया। जौनपुर का एक परिवार नई गाड़ी खरीद कर लौट रहा था तभी कार पर स्लैब गिर गया। अंदर बैठे एक आदमी की मौत हो गई, जिसकी जान गई वो अपने रिश्तेदार को इलाज कराने अस्पताल लेकर जा रहा था लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही वो इस दुनिया से विदा हो गया। देश की राजनीति में अगर कर्नाटक लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव को लेकर खबरों में है तो पश्चिम बंगाल लोकतंत्र के उत्सव में खूनी खेल को लेकर चर्चा में है। परसों पंचायत चुनाव में 12 लोगों की जान गई, ये तो आपने देखा ही था। अब पंचायत उपचुनाव में भी खून बह रहा है। मालदा में बंदूक की नोक पर बैलेट बॉक्स लूट लिए गए। मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई। नॉर्थ दिनाजपुर में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। आज 20 जिलों की 568 बूथों पर फिर से वोट डाले जा रहे हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि राज्य के सीएम से उसी राज्य की पुलिस पूछताछ करे, लेकिन दिल्ली में ऐसा होने वाला है। अरविंद केजरीवाल के साथ तारीख भी तय हो गई है, 18 मई सुबह 11 बजे उन्हें पुलिस दफ्तर जाना होगा। आपको याद होगा चीफ सेक्रेटरी रहे अंशु प्रकाश ने आरोप लगाया था कि इसी साल 19 और 20 फरवरी की रात
सीएम हाउस में केजरीवाल के सामने उनके साथ बदसलूकी और मारपीट हुई थी। अब पुलिस इसी बारे में जानकारी लेना चाहती है। आम आदमी पार्टी के 11 विधायकों से पुलिस पहले पूछताछ कर चुकी है। बदले बदले से दिखने वाले किम जोंग फिर बदल गए हैं, यानी अपने पुराने तानाशाही मूड में लौट आए। कुछ दिन पहले जब वो उत्तर कोरिया गए थे तो सबने यही सोचा था कि किम का हृदय परिवर्तन हो गया है, लेकिन 10 दिनों के अंदर ही वो फिर बदल गए हैं और पुराने अंदाज में ट्रंप को धमकी दे डाली। कहा, आप परमाणु हथियार खत्म करने का एक तरफा दबाव बना रहे हैं और ऐसा चलता रहा तो 12 जून को होने वाली बात नहीं होगी। दक्षिण कोरिया के साथ वार्ता वो पहले ही रद्द कर चुके हैं। मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत के बड़े हिस्से में अगले 72 घंटे धूल भरी आंधी लोगों को परेशान कर सकती है। इस दौरान करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में इसका सबसे ज्यादा असर होगा। बीती रात भी दिल्ली एनसीआर में अचानक तेज आंधी आई। गनीमत यह रही कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ।